हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी टैरोस। इट्स वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है हु इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून, ठीक है, टू गिव यू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपकी जिंदगी में कौन आ रहे हैं आपको, ठीक है, वो अदा करने के लिए और आपको साथ जिंदगी भर तक रहने के लिए। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो इसको आप कभी भी देख सकते हो एज अ गाइडेंस एंड इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। सो आई एम पोस्टिंग एडिशनल रील्स, ओके, स्टोरीज इन इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ वॉच दैट। दूसरा है यूट्यूब, जो स्टोरीज है वहाँ पर मैं एंजल नंबर्स के बारे में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, सो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा, यूनिवर्स ब्लेस एवरी सोल एंड लेट द सोल मीट देयर सोल में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, पहले हम टैरो टेक्स से देखेंगे, उसके बाद हम ओरेकल से देखेंगे, उसके बाद हम क्यूब्स को देखेंगे और इनिशियल्स को देखेंगे। हो सकता है कि आप इनको जानते हो, नहीं भी जानते हो, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट क्लूज मिल जाएंगे, ठीक है। सो लेट मी सी। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। की मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जिंदगी में हु इज कमिंग इन देयर लाइफ वेरी सून, हु इज कमिंग इन देयर लाइफ वेरी सून, who is coming in their life very soon, who is coming in their life very soon, कौन आ रहा है उनकी ज़िंदगी में। So we do have the six of swords, we do have the three of pentacles, हमारे पास है ten of swords, okay. We do have the page of swords. Seven of swords. There are too many swords at a time. ठीक है, all right. We do have the four of swords. तो air signs जो है काफी ज्यादा prominent है, वो है Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है टेन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, ठीक है, ओके। अगर कोई साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है, रीडिंग आप ही के लिए है, ओके। यहाँ पे द नंबर 4, 7, 3, 6 स्पेसिफिकली 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 10 ऑफ वैंड्स, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस पता नहीं क्यों हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप ऐसा फील कर रहे हो, मुझे लग रहा है कोई सेपरेशन रिसेंटली हुआ है या बहुत ज़्यादा इस तरह से हुआ ही, वो हैड बीन बिट्रेड, मतलब आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे उस रिलेशनशिप में, फिर भी आपको बैक स्टेप किया गया और इस रिलेशनशिप को, ठीक है, आप किसी भी हालत में आगे नहीं लेके जा पाए, मतलब दिस वॉज अ परफेक्ट एंड ऑफ द रिलेशनशिप। ये इंसान तभी आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं जब आप कोई भी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकल रहे हो, एंड चाहे आप पहले से मैरिड हो या अनमैरिड हो या डिवोर्स्ड हो या सेपरेटेड हो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब आगे जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है वो इंसान आपके साथ दे रहा है, फ्यूचर आप इन्हीं के साथ आपका रहेगा। And definitely on the way you will receive lots of abundance in life, बहुत ज़्यादा abundance, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ आपको मिलेगा। For example, ऐसा होता है ना कि शादी ब्याह तो होते हैं, जब लड़की की विदाई का टाइम होता है तो सब लोग रोते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसलिए रोते हैं क्योंकि वो अपना जो मायका है वो मिस करेगी और अपने ससुराल वो जाने वाली है, तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। दिस इज़ नॉट एन, यू कैन से दैट इट्स नॉट अ कार्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ एंडिंग ऑल्सो,
बट आई फील दैट इट्स अ कार्ड ऑफ बिगिनिंग फॉर अ न्यू जर्नी. ठीक है, जिस तरह से लगता है ना, पहले जैसे पालकी में लोग लेके जाते थे दुल्हन को, बाद में तो ये हुआ ऑटोमोबाइल के ज़माने में कार में लेके जाते हैं. सो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट, इट्स अ जर्नी टूअर्ड्स पीस. ठीक है, इट्स अ जर्नी टूअर्ड्स विदाउट कन्फ्लिक्ट. ठीक है, बहुत मतलब जैसे बोला जाता है ना, एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज अ लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा, बैक स्टेप. ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहुत उलझने. ठीक है, आप खुद सुलझ नहीं पाए, आप खुद अपने आप को आइसोलेट रख रहे हो प्रेजेंटली. ठीक है, दिस इज 100% कन्फर्म फॉर मेनी ऑफ यू दैट आपके जीवन में इतना ज़्यादा दुख है. ठीक है, फिर भी आप आगे बढ़ने की क्षमता आप रखते हो, आपके अंदर करेज है. तो ये इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है कि सिमिलर एक्सपीरियंसेस वो इंसान भी फेस कर चुका है या फेस कर चुकी है अपने लाइफ में. फिर भी देखो, फिर भी इसके हाथ में फूल है. मतलब क्या है, इतना जो कांटे इसको चुभ रहा है, ठीक है, या चुभ रही है, कहीं ना कहीं पे वो दर्द लेके ही वो आगे बढ़ रही है. मतलब क्या है, आपके साथ जिनका भी, ठीक है, कनेक्शन होगा, सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे विल बी वेरी, यू कैन से दैट दे कैन हैंडल इमोशनल प्रेशर्स. ठीक है, कहीं ना कहीं पे सिमिलर इंसिडेंट्स आपकी ज़िंदगी में, उनके ज़िंदगी में रिपीट हुए होंगे ज़रूर. ये इंसान जो भी है, ठीक है, अपना स्पेस लेते हैं, अपना टाइम लेके ये धीरे धीरे देखो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. दिस इज़ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान सोच समझ के ये जो स्टैचू बनाने वाले हैं या बना लिया ऑलरेडी, ये स्टैचू बनाने में बहुत टाइम लगा. ठीक है, हो सकता है कि ये कनेक्शन डेवलप तो करेगा लेकिन स्लोली एंड स्टेडिली इट विल रीच इट्स फुल पोटेंशियल. मतलब धीरे धीरे ही सही ये कंप्लीट होगा. ठीक है, और जिस तरह से होता है ना, ऐसा बोला जाता है ना, जैसे खुदा ने ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर ने, खुदा ने ऐसा, मतलब खुद इन्होंने अपने हाथ से बनाया. ऐसे सुंदर भी हो सकते हैं वो, मुझे पता नहीं ये लाइन क्यों चैनलाइज हुआ कि खुदा ने उनको हाथ से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है. हाँ, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल क्रिएटेड बाई यूनिवर्स एंड गॉड, बट स्टिल जैसे बोला जाता है ना कि लॉट्स ऑफ गिफ्ट, बहुत ज़्यादा गिफ्ट होगा इनके पास, नेचुरल गिफ्ट्स, जैसे डांसिंग हो सकता है. ठीक है, इनके हैंडवर्क बहुत अच्छे हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं. मिलिट्री का चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, मिलिट्री, नेवी, आर्मी, जहाँ पे फिजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर, मतलब मेंटल इमोशनल प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी ये इंसान अपने स्टेबल माइंड से काम को पूरा करते हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग. ठीक है, फ्रॉम डे टू नाइट दे कैन वर्क. ठीक है, रात से, मतलब सुबह से लेके रात तक ये काम कर सकते हैं. शायद ये अपने फैमिली के एक लौते बेटे हो या बेटी हो, हो सकता है पूरा परिवार ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और इनके लिए वो कुछ भी काम करने से, ठीक है, बैक स्टेप नहीं लेते हैं. मतलब इनको बहुत कम ही समय मिलता है अपना हॉलीडेज को या वैकेशन को रिलैक्स करना, और ये हमेशा मुझे लग रहा है कि ये इसलिए मेहनत कर रहे हैं सो दैट दे कैन गेट द इनकम. ठीक है, सो दैट दे कैन गेट द रिजल्ट वेरी सून इन देयर लाइफ. मतलब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा मिले. कुछ लोगों के लिए इंसान रिक्रूटर हो सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशन मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इंसान मेडिकल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं. ये इंसान को आप तब मिल सकते हो, मे बी यू विजिट अ डॉक्टर, मे बी आपके फैमिली डॉक्टर्स में से कोई हो सकते हैं. दूसरा है, मुझे दिख रहा है ये इंसान का खुद का शॉप हो सकता है, वो रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर हो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है मे बी दे आर इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ, यू कैन से दैट वेपन्स, ठीक है, आर्म्स, ठीक है, जो लीगल होते हैं, डिफेंस सेक्टर्स, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ताकतवर इंसान है. मंगल इनके ग्रह, मतलब चार्ट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा. ठीक है, एंड आई डू फाइंड कि अक्टूबर का महीना या विद इन 3 to 10 days या वीक्स या मंथ्स आप मिल सकते हो, मे बी 3 3 3 10 10 10 आप बहुत ज़्यादा देखोगे. ठीक है, 6 is also very important. ये पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है. ठीक है,
आई डू फाइंड कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक प्लेसेस में जाओगे. मे बी यू हैड मेड दिस पर्सन, मे बी यू हैड नॉट. मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है इट्स अ न्यू कनेक्शन. और अगर ये न्यू कनेक्शन नहीं है, तो अगर ये एक ओल्ड कनेक्शन है, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, टू कम इन टू द फुल सर्कल. मतलब पूरी तरह से कम्प्लीशन होने में इसको टाइम लगेगा, ठीक है. बट आई डू फाइंड कि एंडिंग तो हुआ है किसी चीज़ का, ठीक है. और देखते हैं कि ये इंसान की नेचर किस तरह से है. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस पर्सन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस पर्सन. इस इंसान की नेचर किस तरह से है, फितरत किस तरह से. वाओ, देखो द एम्परर, सॉरी द हायरोफैंट, ओके. एंड वी डू हैव द फोर ऑफ वैंड्स. तो शादी का कार्ड आ ही गया. 4-5 इज इम्पॉर्टेंट. एंड वी डू हैव द टावर कार्ड. काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाइड सोल है ये इंसान. ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. मुझे लग रहा है दोनों का मिलन थोड़ा सा एट अ मैच्योर लेवल पे आ रहा है. मैं एज का बात नहीं कर रही हूँ, मतलब बोथ आर मच्योर्ड एंड देन यू आर मीटिंग, ठीक है. तो कहीं ना कहीं पे एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. 4, 5 एंड 16 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, दैट इज 7 एंड 9 कैन बी इम्पॉर्टेंट. बेसिकली आप लोगों का शादी मुझे लग रहा है धूमधाम से होगा. बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है इसमें. और कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए, बहुत ही फ्यू परसेंटेज आई डू फाइंड लाइक दैट, कि आप लोगों का कोर्ट मैरिज हो सकता है, दैट इज़ द रजिस्टर्ड मैरिज हो सकता है. बट उसके बाद भी, ठीक है, मे बी शादी के दिन ही होगा वो. और कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे, किसी के साथ डिवोर्स से सेपरेटेड थे, सो इन दैट केस देखिए हो सकता है कि देर इज़ अ सिंपल कोर्ट मैरिज इन्वॉल्व, ठीक है. सो अगर आपका ये सेकेंड है या थर्ड है, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों सोलमेट ही दिखाई दे रहा है, वरना मैं मैरिज का बात क्यों करती और मैरिज का कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है. सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि हो सकता है कि आप इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या इंसान बहुत ज़्यादा नियम और कानून के वफादार है एकदम. मतलब उनको इधर से उधर कुछ भी चीज़ें इधर से उधर हो, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वे से इनको कुछ करने का नहीं है. ये हमेशा रूल्स रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं. गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, जहाँ पे ऑफकोर्स कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन ऑफिसर, ठीक है, इस तरह का कोई पोजिशन में हो सकता है. एंड मे बी दे आर ऑपरेटिंग, यू कैन से द इंस्टीट्यूशन या कोई यूनिवर्सिटी या स्कूल, स्कूल के प्रिंसिपल हो सकते हैं. मतलब इस तरह से मुझे दिख रहा है हायर अथॉरिटीज़. तो कहीं ना कहीं पे इनके साथ आपका शादी होगा. एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, हो सकता है कि जब ये सब हो रहा होगा देन यू आर कमिंग आउट फ्रॉम अ सेपरेशन. फिर से लिव इन हो सकता है सेपरेशन, या किसी के साथ आपका रिलेशनशिप तो था लेकिन वो एक फैंटेसी था, वो मतलब इट वॉज नॉट रियल, वो रियलिटी नहीं था, ठीक है. उसमें काफ़ी ज़्यादा इल्यूशन था, भ्रम था कि ये है, बट वो एक्चुअली, देखो अम्ब्रेला अगर नहीं है बिल्डिंग रह के क्या फ़ायदा, रूफ अगर गिर चुका है तो. सो डेफिनेटली इससे आप काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल किए. मुझे लग रहा है अगर आपके पर्स नेक्स्ट पर्सन भी आएंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपको होशियार रहना पड़ेगा, अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है. एंड देन यू विल कम इन टू रिलेशनशिप, ठीक है. अभी आपका मन बहुत ज़्यादा उदास है, आपको लग रहा है कि देर इज़ नो वन विथ मी, मेरे साथ कोई भी नहीं है, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है. एंड आपको नींद भी नहीं आ रहा है. हो सकता है घंटों रात को आप बैठ जाते हो एक कॉर्नर पे और आप सोचते रहते हो, खिड़की भी बंद रखते हो, मुझे लग रहा है, क्योंकि खिड़की खोलने से फ्रेश एयर आता है. सो प्लीज़ डू ओपन योर विंडोज़, ठीक है. और कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लग रहा है आप अभी का जो सिचुएशन है ना, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो. ऐसा नहीं है, आपको भरोसा करना पड़ेगा. यू हैव टू कीप द होप एंड फेथ गोइंग ऑन, ठीक है. आपको वो होना चाहिए. आपको इनसिक्योरिटीज़ भी होता है कि जो भी मेरे लाइफ में आएंगे मेरे साथ ऐसा बिट्रेयल ही होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट. जो भी आपके लाइफ में नेक्स्ट आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर मोरालिटी होगा, प्रिंसिपल्स, दैट इज़ जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, संविधान, ये बहुत ज़्यादा उसूल वाले इंसान होंगे, पक्के वादा करने वाले इंसान होंगे. एंड हायरोफेंट आल्सो इंडिकेट्स द मैरिज,
अगर उनको आपसे प्यार है तो ऑफ कोर्स वो कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ऐसा फन रिलेशनशिप में वो बिलीव नहीं करते। दूसरा है, मुझे लग रहा है वो भी काफ़ी दुखी है। मुझे लग रहा है उनको काफ़ी ज़्यादा लोग मानते हैं, उनके पास आते हैं एडवाइसेस लेने के लिए, इवन उनके घर तक पहुँच जाते हैं हेल्प मांगने के लिए, और ये सोसाइटी के लिए करते भी हैं, ठीक है। इनके पास काफ़ी अच्छा खासा घर हो सकता है जहाँ पे कंफर्टेबली आप रह पाओ इनके साथ, ठीक है। बहुत स्पेशियस हो सकता है उनका घर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आई डू फील लाइक दैट, ठीक है। इट कैन बी अपार्टमेंट्स, इट कैन बी अ हाउस, कुछ भी ये हो सकता है, ठीक है। इनका घर भी टूट चुका है शायद पहले, एज में ज़्यादा हो सकता है, बियर्ड हो सकता है अगर ये मेल है, क्लीन शेवन भी हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा अपने स्किन को मेंटेन करते हैं, आई डू फाइंड। और इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं, स्ट्रेट हेयर भी हो सकते हैं, ब्लैक हेयर और ब्लॉन्ड हेयर, आई डू फाइंड। आर्किटेक्ट हो सकते हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों आया मेरे मुंह से, चैनलाइज क्यों हुआ। रिलेटेड टू बैक्टीरिया वायरस इन्होंने शायद स्टडी किया होगा, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो केमिस्ट हो सकता है, मैच्योरिटी देखो, एज डिफरेंस हो सकता है, ओके। एंड आई डू फाइंड द गार्डनर, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है इंसान नेचर को बहुत पसंद करते हैं। एंड द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, अगर आप फीमेल है या मेल है जो भी नहीं, ठीक है, देखो सेरेंडिपिटी, अचानक से आप इनको मिलोगे, अचानक से विथ ऑल ऑफ अ सडन यू विल मीट दिस पर्सन। और इनका नेचर जो है काफ़ी ज़्यादा लर्नेड हो सकता है, ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट अरेंज इट, ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्ति, और कहीं ना कहीं पे यही इंसान आपको रेस्क्यू करने वाले हैं, आपको अपने शेल से ट्रिगर करने वाले हैं ताकि आप अपने शेल से बाहर आओ, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शाई हो, इंट्रोवर्ट हो, आपको एक्सपेंशन देने के लिए, मतलब आपका वृद्धि हो, आपका बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो, इसलिए इंसान को, ठीक है, यूनिवर्स भेज रहे हैं ताकि आपका ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो, ठीक है, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है, ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हुए भी अपना काम को निष्ठा से, ऑनेस्टी से करते हैं, इनका नेचर इस तरह से है। मे बी यू आर ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है। और बार बार पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आर्किटेक्ट हो सकता है, या उनके घर में काफ़ी ज़्यादा स्टैचूज हो सकते हैं, घर में एक नाइस गार्डन हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हो, ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो सकता है, इनको पसंद है फार्मिंग, खेती हो सकता है इनके पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा। दूसरा चीज़ है, ये लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, आपको शायद आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हो स्टडीज़ करने के लिए, और ये एक लाइब्रेरियन भी है बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, ये शायद आपको असिस्ट कर रहे हैं। और आपको देखो, इनके वजह से आपको कितना ग्रोथ हो रहा है, इनके वजह से आपकी ज़िंदगी एक पॉजिटिव टर्न ले रही है, जहाँ पे आप नॉलेज को गेन कर रहे हो, लिख रहे हो, लर्निंग, रीडिंग, ओके, थ्रू यू कैन से लिसनिंग, यू आर डेवलपिंग योर ओन लाइफ फॉर दिस पर्सन। आप देखो, जिसके जैसा साथ होगा ना, वो ऐसे के साथ ही जैसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा बहुत लर्नेड, एजुकेटेड, ठीक है, पैशनेट पर्सन, तो हम उनके जैसा बनने की कोशिश तो ज़रूर करते हैं अगर वो हमारे सामने रहते हैं तो। अगर हम इविल एनर्जीज के सामने रहते हैं तो उसी के जैसा बन जाते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन योर लाइफ, अबंडेंस इज कमिंग, ठीक है। और दूसरा चीज़ है, सबसे बड़ा बात है, आप अपने शेल से बाहर आ रहे हो, मतलब क्या है, आपका जो रियल साइड है अभी वो दुनिया देखने वाली है, आप अंदर से अभी भी बैलेंस्ड नहीं हो। कहीं ना कहीं हमेशा आपको लगता है कि मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। जब तक आप अपने अंदर कम्प्लीटनेस फील नहीं करते हो, तो भी ये इंसान का आने में आपके ज़िंदगी में लेट होगा। आपको मान के चलना पड़ेगा दैट यू आर कम्प्लीट विदाउट एनीवन। आपको मानना पड़ेगा कि मैं किसी के बिना भी कम्प्लीट हूँ, समझ में आ रहा है। वो खुशी आप खुद के अंदर ढूंढे, ना किसी के और के अंदर ढूंढे, तब जाके रिलेशनशिप कनेक्शन स्टेबल होता है। देखिए मैं बोलती हूँ, कितना लोग मानते हैं पता नहीं, नहीं मानेंगे तो मार खाएंगे, और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल ही सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। मैं आपके घर तो मैं जानती नहीं कि घर में जाके मारूँ मैं,
तो इस पर्सन के कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं, ठीक है? ओके, दिस इज इट। यहाँ पे है यू, यहाँ पे है डब्ल्यू, यहाँ पे है एक्स, ओके, यहाँ पे किरा, ई एल टी आर, सेवन इज इम्पोर्टेंट, ओके, टू इज इम्पोर्टेंट, 27th डेट कैन बी इम्पोर्टेंट। देखो ये इंसान आपके पिंजरा को आज़ाद करेंगे और आप अपने डिसीजन ले पाओगे, ये आपको कभी भी अपना जैसे बोलते हैं ना फोर्सफुली मेरा बात ही सुनना पड़ेगा, ऐसा वो कुछ नहीं बोलेंगे। आप अपना डिसीजन खुद भी ले सकते हो, इवन आपके साथ इनका मैरिज होगा तभी भी ये आपको कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो द नंबर्स आर एन डी आर ओ आई ई एक्स यू, 7-2 आर द नंबर्स, ई वाई टी बी डब्ल्यू एन सी, दे मे बी द डॉक्टर ऑफ यू कैन से दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ई एन टी स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। दूसरा है कि मे बी सोनोग्राफी या एक्सरे डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, दैट्स अ मेडिकल फील्ड अगेन, ठीक है, आई स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, या इनके आँखें बहुत सुंदर होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब मोहित करने वाले आँखें, ठीक है, आप उनके आँखें देखते रह जाओगे, या आपकी आँखें बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्लैक उनका हेयर कलर हो सकता है या आपका, टी आर टी टू किसी का नाम हो सकता है, टी आर टी टू, ओके, किसी रिलेशनशिप को तो एंड होगा ही होगा, ठीक है, किसी सिचुएशन का एंड होगा, जो सिचुएशन आपके लिए तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। 27, 7, 2, 9 किसका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ओके, ओके, रिलायंस मतलब आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, ये आपके एक्स भी हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट। दूसरा है फिर से एल सी आ रहा है, मतलब कोई भी लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, जिया हो सकता है, ओके, बट ये शायद अपने वर्ड्स में यूज करते हैं बट, बी यू टी बट, पर ओके, या यस, कम बात करते हैं ये, मतलब कम ही बात करते हैं, मतलब अगर आप व्हाट्सएप में देखोगे आप देखोगे एकदम छोटा छोटा स्टेटमेंट्स ये लिखते हैं, इस तरह से हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।